हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जितने भी नियम थे अपन ने हो गए थे, और इलेक्ट्रॉन विन्यास से जो से संबंधित जो जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन था, जनरल परिचय था, जो सामान्य बातें थी वो भी अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे, और उन उदाहरणों के साथ हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं विभिन्न परमाणु कक्षकों में, उनका अपना डिटेल करते हैं। ठीक, तो एक टेबल बना रहा हूं मैं, टेबल में देखना इधर तो ले लिया अपने तत्व। ठीक, एक कॉलम बना लिया उसका परमाणु क्रमांक कितना है, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, और एक बॉक्स चित्र। ठीक है, तो सर्च कर लेते तत्व। तत्व पहला कुछ अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम Mg। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक, तो कल अपने कहा था कि किसी उदासीन परमाणु में का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा अपना, 1s1। ठीक है, तो इसका बॉक्स डायग्राम कैसे बनेगा अपना, ये ऐसा। ठीक है, तो पहले अपना समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो इसमें कितना ए, ये अपन ने भर दिया यस। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, 1s1, 1s2, 1s2, एस ये बना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक क्लोरोफाइल और एक एंटी क्लोरोफाइल। लिथियम, 1s2, 2s1, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़े जाते हैं। 1s के लिए n प्लस l का मान कितना होता है 1, और 2s के लिए n प्लस l मान कितना होगा 2। तो 1s की तुलना में अधिक ऊर्जा किस होगी, 2s की, तो पहले 1s करें फिर 2s। तो ये क्या होगा अपना 1s, और ये क्या हो जाएगा अपना 2s। ठीक है, बेरिलियम 1s2, 2s2, ये 1s के लिए 2s के कंप्लीट। ठीक, बोरोन 1s2, 2s2, 2p1। ठीक, एस में तो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये किसका है 2s का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पी के कितने हैं, 3, px, py और pz। ठीक है, पहले कैसे बनेंगे 1। ठीक, कार्बन के लिए 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2, 1s के लिए ये लो सर 2s का क्लोफाइज और एंटी क्लोफाइज, 2p के लिए यानी कुंड की अधिकतम भोला के नियम, कुंड की अधिकतम भोलकता के नियम के अनुसार सभी कैसे बनेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा तब तक उस समान ऊर्जा वाले एक एक इलेक्ट्रॉन कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। ठीक है, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, ये 1s के, ये 2s के, और ये किसके हैं, p के, 1, 2 और 3, यानी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, ये s, ये 2s, और ये किसका है, p का, 1, 2, 3, 4, फिर यहां पर क्या होगा अपना युग्मन शुरू होगा। ठीक है, 9 नंबर पर 1s2, 2s2,
2P5। ये 1S का कंप्लीट, ये 2S के दोनों, ये 2P के। P में कितना है अपने 5, तो पहले कैसे भरूंगे, एक एक भरेंगे सभी में। हुंड की अधिकतम गोलकता के नियम से 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। ठीक, ठीक, तो ये होगा अपना किसका, 1s2, 2s2, 2p6 नियोन के 10। तो ये कंप्लीट हो गए इसके, ये 2s का और ये किसका होगा, p का। तो पहले एक एक भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। ठीक, इस प्रकार अपना ये बॉक्स इतना होगा, विभिन्न तत्वों का अपना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अनुसार अपना ऊर्जा जो क्रम लिखा था N+L नियम, उसके अनुसार विभिन्न परमाणिक ऊर्जा क्रम इलेक्ट्रॉन को भरे जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन का बॉक्स विधि है, बॉक्स चित्र विधि है। इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा तब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।